8.4 का दोस्तों हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल दोस्तों है, 1 + sec a / sec a बराबर sin²a - (1 - cos), ये आपको प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। ये वाला LHS होता है और ये वाला RHS होता है। ठीक है, तो हम LHS से बनाते हैं। तो चलिए हम LHS को लेते हैं। क्या लेंगे, LHS को लेंगे। तो दोस्तों मैंने LHS को ले लिया है, LHS को मैंने क्या किया है, ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए 1 + है ना, अब ये sec a जो sec का सूत्र क्या होता है, 1 / cos a होता है ना, सबको पता होगा। अब बटा है यहाँ पर, तो क्या है, बटा दे देंगे। अब फिर देखो sec a है नीचे में, तो इसका भी 1 / cos a लिख दो, लिख दे ना। अब देखो यहाँ नीचे नहीं तो कुछ एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और cos a का अगर हम लघुत्तम लेंगे, अगर 1 और cos a का हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या होता है हमारा, ठीक है, तो 1 और cos a का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, cos a होगा। लघुत्तम तो सबको आता है, cos a होगा। अगर 1 को cos a से भाग देंगे तो cos a होगा, तो cos a गुना 1 क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अब प्लस cos a को cos a से भाग दे 1 हो तो 1 हो जाएगा। फिर बट है, बट है क्या है आपका, 1 / cos a, ये तो है ही पहले से। अब फिर देखो तो cos a / 1, अब इसको क्या करें, करनी कर दो, क्या कर दो, करनी कर दो। अब देखो cos a को यहाँ से हम क्या करें, कटा देंगे। ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर दोस्तों आपको बचेगा cos a + 1, अब बटे नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जानते हो ये cos a + 1 जो है, इसको दोस्तों गुना कर दो आप cos a - 1 से। कैसे, cos a - 1 से आप क्या कर दो, गुना कर दो, नहीं cos a - 1 से नहीं, इसको आप, एक मिनट दोस्तों, इसको 1 - cos a से गुना कर दो। क्या कर दो, ऊपर नीचे 1 - cos a से गुना कर दो। नीचे भी क्या हो जाएगा, तो 1 से गुना तो 1 - cos a ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र आ जाएगा cos a + 1, तो cos a क्या होगा, a + b - cos a + 1, यानी कि 1 + cos a, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका cos² यानी कि 1 का² - cos² a। अब बटे नीचे क्या है, 1 - cos a। देखो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ये 1 को आप a मानिए, ये क्या करें, इस 1 को आप a मानिए, 1 क्या करें, a मानेंगे और cos a को b मानेंगे। ठीक है, तो 1 को a मानेंगे तो 1 का² - cos² बट 1 - cos। अब देखो 1 - cos² का सूत्र क्या होता है, sin² a, तो sin² a, और नीचे क्या है, 1 - cos a, हो गया प्रूव्ड आपका, यही आंसर आपका। तो हो गया LHS = RHS आपका क्या दोस्तों, हो गया प्रूव्ड। ये चौथा सवाल भी आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा सवाल दोस्तों आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।